पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर, विधायक विकास मुंडा और राजेश कच्छप ने रांची के नगड़ी थाना अंतर्गत दलादली गांव पहुंचकर सीपीएम नेता सुभाष मुंडा के परिजनों से मुलाकात की। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बातचीत कर घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने स्वर्गीय मुंडा के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और माता पिता और परिजनों ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर से सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करवाने का अनुरोध किया। इसके अलावा परिजनों ने मंत्री से पूरे परिवार के सुरक्षा की गुहार लगाई और दलादली के समीप एक टीओपी की स्थापना करने का भी अनुरोध किया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर काफी व्यथित हैं और पुलिस महानिदेशक को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आदिवासी सिंगल अभियान के कार्यकर्ता पाकुड़ समरणालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर डीसी को राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा। उन्होंने हेमंत सरकार से संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को आदिवासी सिंगल अभियान के हमारे 10 सवालों के जवाब देने होंगे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 345 के तहत संथाली भाषा को झारखंड के प्रथम राजभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, सरकार को बताना चाहिए। हम लोग पाकुड़ जिला आदिवासी सिंगल अभियान जिला कमेटी से हम लोग आए हैं। हम लोग का मांग है, 10 मांग को लेकर हम लोग उपायुक्त के द्वारा राज्यपाल को हम लोग आज दे रहे हैं। हम लोग का मांग है, झारखंड में संथाली प्रथम राजभाषा होना है और आदिवासी का सरना धर्म कोड होना चाहिए। इसके बाद असम का आदिवासी अभी तक एसटी दर्जा नहीं मिला है। इसके बाद मरांगब्रू प्रश्नाथ पहाड़ जो जैन समुदाय का 5/1/2023 को मैंने लीक कर दिए हैं कि मरांगब्रू हम लोग का ईश्वर है तो मैंने नहीं देना चाहिए। इसके बाद वापस लेना चाहिए और वीर शहीद सिद्धो मुर्मू वंशज रमेश्वर मुर्मू जो हत्या हुआ है, मैंने 12/6/2020 में, अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुआ है, वो जांच होना चाहिए। इसके बाद SPT 8 CNT 8 कानून 23/3/2011 में मैंने गलत संशोधन कर लैंड पुल बिल पास किए हैं, वो नहीं होना चाहिए। यही सारा मुद्दा हम लोग 10 मांग है लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या बोलिए, क्या कुछ दिक्कत है अब डीसी साहब से मिलने के लिए? हम लोग का दिक्कत है, मतलब तीन अले पाकुड़ जिला तीन डीसी ऑफिस ले हेज कान तीन दो अले डीसी मिटे ये अले माय कना मरफत ले माय कना राजपाल तुम तो डीसी मत मरफत ले माय कना आ तीन दो अले नवा रंगे किना तले आ जहां दो झारखंड रे संताली राजभाषा बांग होई कान तले तीन भी आ तीन ओका जहां अले बांग जहां ताय कना सरना कोड़ो तीन भी बांग होई कान तले आ नवा झारखंड रे बांग लागू कना आर तीन अड़ी उत्तर जिनिस अले तीन जहां ले मांग कदा हेमंत सरकार ठे नवा माय दोले मांग कदा मेनकान तीन अभी तो अले नवा मांग बांग पुरो कान तले ओना इया ते तीन अले नवा जर जिला रे अले हे कते। पाकुड़ समरणालय सभागार में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल की अध्यक्षता में अच्छी सरकार और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जीवन यापन को आसानी से बढ़ावा देने के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 8 विषय वस्तुओं को शामिल किया गया, जिसमें सरकारी स्कूल में स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मार्कशीट, माइग्रेशन प्रमाण पत्र जारी करने, पुनः जारी करने, संशोधन में आसानी और कई ऐसी गतिविधियां शामिल रही। कार्यशाला में उपायुक्त ने कहा कि जिले की वर्तमान स्थिति में अंकित विषय वस्तु चुनौती और समाधान को शामिल करते हुए राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना है ताकि अक्टूबर और नवंबर माह में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 3rd मुख्य सचिव सम्मेलन में राज्य सरकार के प्रतिवेदन में इसे शामिल किया जा सके। हमारे